तो ऐसे सारे कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं अच्छी तरह से, ये ऐसे करके मैंने भिगो दिए गाइस। अब बस मुझे सो ये गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। सो यार मैं बता रहा था आपको कि मैं इधर ही ढूंढ रहा था बहुत देर से, मतलब 1 घंटे से ढूंढ रहा था गाइस यहीं पे, मतलब चारों तरफ घूम रहा था मैं। तो गाइस यार मुझे एकदम याद आया कि 2-4 दिन से हमारे बाल वगैरह परी थी, घाम नहीं निकली, तो मैंने अपने सारे कपड़े हैं ना वो सारे गंदे कर दिए गाइस। तो मेरे पास जो पैरा नहीं है बस वही बचे हैं, नए वाले भी पुराने वाले मैंने सारे गंदे कर दिए गाइस। तो मुझे याद आया एकदम कि यार मैं यहाँ पर डोल रहा हूँ तो आज घाम भी निकल रही है बहुत तेज, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉशिंग मशीन में कपड़े ला के धो लूँ। उसके बाद फिर मैं घर गया था गाइस, लाइट चली गई थी गाइस, इस वजह से फिर मैं वापस आ गया गाइस। सो अभी मैं यहाँ पे था मैंने, तो इधर के सारे मुझे पता पड़ा कि लाइट आएगी, घर से बनाया कि लाइट आएगी, आज कपड़ा धो ले। सो गाइस हम मतलब जाल रूम से आज चला जाओ जल्दी से, क्योंकि ऐसे ही मौसम बनना है बारिश जैसा, तो घाम तो निकल रही लेकिन कभी कभी घाम बंद हो जाती है गाइस, कभी कभी निकलना स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस बता दूँ कि अब मैं जा रहा हूँ और अपने जो कपड़े हैं ना पुराने वाले नए वाले सभी को मैं वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालूँगा गाइस। तो डालने के बाद गाइस सूखेंगे तो है नहीं, क्योंकि अभी 12 बजे और मौसम घाम निकल रही है, घाम बंद हो रही है, निकल रही है, घाम बंद हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो मतलब थोड़ी देर तो मैं शाम को डर लूँगा, घाम में अगर बारिश नहीं पड़ी तो थोड़े बहुत तो सूख जाएंगे गाइस। और उसके बाद फिर मतलब पंखा है मेरे घर पर, पंखे के बाद में तो सभी को डाल दूँगा, तो सभी तक सब सूख जाएंगे। तो गाइस चलो मिलते हैं तुम्हें घर पर वॉशिंग मशीन के साथ। गाइस देख सकते हो कि मैं घर पर आ गया हूँ गाइस। घर पे आने के बाद मेरे जो कपड़े थे धुलने के लिए, वो मैंने आज से जब बारिश पड़ रही थी ना तभी मैंने ये सारे इकट्ठे करके एक जगह रख दिए थे धुलने के लिए। सो ये मुझे यहाँ पे मिल गया गाइस, ये देख सकते हो ये सारे कपड़े सही तरह के। तो गाइस मैं बता दूँ कि ये गंदे से हो गए, क्योंकि ये मैं दो दिन पहले थे इस वजह से। सो मैं मतलब इनके लिए मतलब 15 मिनट का टाइम होता है वॉशिंग मशीन में, तो गाइस मैं लगाऊंगा पूरा 1 घंटा का टाइम उसमें। तो लगाने के बाद गाइस मैं बता दूँ कि साफ अच्छी तरह से हो जाएंगे, तो उसमें सर्फ में मुझे ज़्यादा डालना पड़ेगा गाइस। सो अभी लाइट चल रही है गाइस, तो जल्दी से मैं वॉशिंग मशीन में भर लूँ पानी, पानी भरने के बाद डाल दूँ इसे। तो चलते हैं वॉशिंग मशीन भरते हैं पानी। तो अभी हमें पाइप घसना पड़ेगा समर में, मतलब समर का जो मुँह होता है उसमें, और उसके बाद हमें पानी भरना पड़ेगा। चलो भरते हैं गाइस वॉशिंग मशीन में पानी। देख सकते हो गाइस कि मतलब हम पाइप हमने कस दिया है, वो उसका दिख रहा है, और ये हम पाइप ले जा रहे हैं वॉशिंग मशीन की तरफ खींच के। सो ये आगे वॉशिंग मशीन की तरफ खींच के देख लो गाइस, ये वॉशिंग मशीन में हम खड़े हुए हैं और पाइप भी ये रखा गाइस। तो अभी इसका मुंह खोल दिया, मुंह खोलने के बाद गाइस ये देख सकते हो इसका मुंह हमने खोल दिया गाइस। तो मुंह खोल दिया ना गाइस, अब इसमें मतलब हमें मिलना पानी गाइस। तो जल्दी से हम मोटर का बटन दबा दें, उससे पहले पानी गाइस इसमें। तो गाइस ये पानी चल रहा है मशीन में, थोड़ा सा पानी भरेंगे मतलब जिससे ज़्यादा साफ होने, ज़्यादा पानी भरेंगे गाइस, ज़्यादा सा पानी भरेंगे, पानी चल रहा है गाइस मशीन का। सो ऐसे एक बनियान डाल रखी है मैंने, और दूसरी बनियान ये डाल दी गाइस इसमें, दूसरी में बनियान लोवर है, और ये भी डाल दिया मैंने, और ये भी डाल दिया गाइस, और ये भी डाल दिया गाइस। तो ऐसे सारे कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं अच्छी तरह से, ये ऐसे करके मैंने भिगो दिया गाइस। अब बस मुझे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर 3 से 15 मिनट का टाइम है, यहाँ पर देख सकते हो पास से देख सकते हो गाइस 15 मिनट का टाइम है, तो मुझे 15 मिनट का टाइम लगाना पड़ेगा। सो मैं जल्दी से 15 मिनट का टाइम लगा दूँ, ये देखो गाइस ये मैं 15 मिनट का टाइम लगा दिया, और ये चलना भी स्टार्ट हो गया देख सकते हो आप। सो अब ये धुलेंगे जल्दी से, धुलने के बाद ये साफ हो जाएंगे जब मैं निकाल लूँगा। सो गाइस मैंने इसमें 15 मिनट का टाइम लगा दिया गाइस, 15 मिनट का टाइम लगाने के लिए मैं यहाँ पर तो ठंडा नहीं रहूँगा, यहाँ पर गर्मी से लग रही है मेरे को, थोड़ा बाहर डोलते हैं, जब 15 मिनट हो जाएंगी तब हम वापस आ जाएंगे और 15 मिनट का टाइम और लगा देंगे गाइस। सो चलते हैं बाहर, और बाहर डोल के मज़े लेते हैं, हवा लेते हैं, उसके बाद हम 15 मिनट बाद फिर आते हैं। चलो बाहर। तो देख सकते हो गाइस 15 मिनट धुलते धुलते वॉशिंग मशीन में हो गए हैं कपड़ों को, देख सकते हो कितना जाप हो गया गाइस। तो अभी मैं और एक और बार मतलब 15 मिनट का टाइम लगाऊंगा, और फिर और लगाऊंगा, फिर और लगाऊंगा, यानी 4 बार टाइम लगा दूंगा 15 मिनट के बाद, उसके बाद मैं निकाल लूँगा। अभी जल्दी से 15 मिनट का टाइम लगा दूँगा गाइस। तो ये मैंने 15 मिनट का टाइम लगा दिया, और ये चलना भी स्टार्ट हो गई गाइस। मैंने मशीन से कपड़े लगा रखे मतलब कपड़े की साइड डाल दिए हैं, और डालने के बाद मतलब मैंने साफ कर लूँ, उसके बाद मैं सुखाने डाल डाल दूँगा, क्योंकि अभी बहुत ही घाम निकल दी है, फिर घाम भी बंद हो जाएगी। तो दिखाता हूँ कि सारे कपड़े मैंने मतलब ये मतलब निकाल लिए, टप में रख लिए हैं मशीन से निकाल के। तो ऐसे के सारे कपड़े निकाल लिए और मशीन में रखे हुए हैं ऑलरेडी ये सारे कपड़े। अब मतलब उस वाली बाल्टी में मतलब इसे मुझे साफ करना है, मतलब इनको मतलब फलकारना है जो बोलते हैं, उसके बाद मुझे सुखाने डालने का। ऐसे देख सकते हो गाइस ये सारे कपड़े इस बाल्टी में धर लिए मैंने, अब मैं यहीं पर यहाँ पर कहीं पर डालूंगा नहीं इन्हें सुखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं है और धूप भी नहीं है यार। यार से देख सकते हो, तो इधर देख लो गाइस, तो मैं डालूंगा इधर की तरफ, नहीं गाइस इधर की तरफ डालूंगा, ऐसे इधर देख सकते हो कि इधर की तरफ मैं डालूंगा अपने कपड़े यहाँ पर इस जगह पर।
सकते हो ऐसे के सारे कपड़े मैंने डाल लिए, इसमें से दो चार कपड़े थे वो नीचे डाल दिए, सो ये सभी जल्दी से सूख जाएंगे क्योंकि घाम में दिखा सकता हूँ घाम बहुत तेज़ निकल रही है बहुत जाती है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सूख जाएंगे ऐसे, और नीचे वाले कपड़े नीचे सूख जाएंगे, तो ये पहनूंगा तो भी इनमें से मैं कोई, तो इसलिए मैंने ये ऊपर डाले तो सूख जाएगा ऐसे, सो ऐसा जल्दी से हाथ पैर धो लें फिर हमें आसान भी जाना है। सारे कपड़े फाइनली धोने के बाद और मशीन से अंदर डालने के बाद अब मैं मतलब फ्री हो गया बिल्कुल गाइस, सो मैं पूरे दिन कहीं पर धो सकता हूँ, दो चार दिन के कपड़े मैंने एक साथ धो दिए गाइस, सो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, अब मैं ठंडे पानी में मुँह को धोऊंगा तो ठंडा हो जाऊँगा, गर्मी बहुत लग रही गाइस मेरे को, सो आशा करता हूँ कि ब्लॉग बढ़िया लगा, उसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, जो नए चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलना, मिलता हूँ उस गाइस आपको अगले ब्लॉग में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।